हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने इसी YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया था, ग्रेटिट्यूड वॉक यानी एहसानमंद कदम या आभार चाल, जो भी आप कहना चाहो इसे, कि आप अपने ज़िंदगी के हर कदम पर भगवान को थैंक यू बोलें। जो भी कदम आप रखते जा रहे हो उसके हर कदम पर आप भगवान को थैंक यू बोलें। हालांकि इसे लिटरली हर कदम पर कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए किसी लोगों को बड़ा हेक्टिक हो जाएगा कि हर कदम पर कैसे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान को याद रखें अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर, बस दैट्स इट, कि भगवान आपके साथ है और वो आपकी ज़िंदगी में जो भी कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। ये मैंने उस वीडियो में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। अगर वो वीडियो दोबारा देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और तब मैंने कहा था कि मेरे को ग्रेटिट्यूड वॉक से बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारी पर्सनल एक्सपीरियंस हैं मेरे। इस पर भी अगर आप लोग चाहो तो ग्रेटिट्यूड वॉक यानी एहसानमंद पत्थर की तरह एहसानमंद कदम पर भी, ग्रेटिट्यूड वॉक पर भी एक पूरी सीरीज़ बन सकती है। तो कमेंट में कुछ लोगों ने कहा सर बना दीजिए सीरीज़, तो उसी सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। लेकिन वीडियो पे कंटिन्यू यानी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में मेरा दूसरा मोबाइल है और इसमें एक पोयम है, वन नाइट। पोयम का टाइटल है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, यानी रेत पर पाँव के निशान। और पोयम इंग्लिश में है लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ऐसे ट्रांसलेट करता जाऊंगा। वन नाइट आई ड्रीम ए ड्रीम, एक रात मैंने एक सपना देखा। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच विथ माई लॉर्ड, मैं भगवान के साथ समंदर के किनारे टहल रहा था। अक्रॉस द डार्क स्काई फ्लैशेज सीन्स फ्रॉम माई लाइफ, और ऊपर काली आसमान पर, रात का समय था इसलिए उसने काला आसमान शब्द का इस्तेमाल किया है, मेरी ज़िंदगी के सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। फॉर ईच सीन आई नोटिस टू सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड, हर वो दृश्य जो मेरी ज़िंदगी का था मैंने ध्यान दिया कि दो जोड़े पाँव रेत पर बनते जा रहे हैं। एक जो वन बिलोंगिंग टू मी एंड वन बिलोंग टू माई लॉर्ड, एक जोड़ा पाँव मेरा था और एक जोड़ा पाँव भगवान का था। आफ्टर द लास्ट सीन ऑफ माई लाइफ फ्लैश्ड बिफोर मी, जब मैंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दृश्य अपनी आँखों के सामने देखा, आई लुक्ड बैक एट द फुटप्रिंट्स इन द सैंड, मेरी नज़र रेत पर पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। आई नोटिस दैट एट मैनी टाइम्स अलॉन्ग द पाथ ऑफ माई लाइफ, मैंने ध्यान दिया कि मेरी ज़िंदगी के कई महत्वपूर्ण क्षणों में, स्पेशली एट द वेरी लोएस्ट एंड सैडेस्ट टाइम, ख़ास तौर पे वो वक्त जब मैं सबसे ज़्यादा दुखी और अकेला महसूस कर रहा था, देयर वॉज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, उस वक्त सिर्फ एक जोड़ा पाँव के ही निशान थे। दिस रियली ट्रबल्ड मी, इस बात से मैं बहुत आहत हुआ। सो आई आस्क द लॉर्ड अबाउट इट, इसलिए मैंने भगवान से इस बारे में पूछा। लॉर्ड यू सेड वंस आई डिसाइडेड टू फॉलो यू, भगवान आपने कहा था जब मैंने आपके साथ चलना शुरू किया था, यू वुड वॉक विथ मी ऑल द वे, आप मेरा हर कदम पर साथ दोगे। बट आई नोटिस दैट ड्यूरिंग द सैडेस्ट एंड द मोस्ट ट्रबलसम टाइम्स ऑफ माई लाइफ, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरी ज़िंदगी के सबसे दुख भरे क्षणों में और सबसे ज़्यादा मुश्किल वाले समय में, देर वॉज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, सिर्फ एक जोड़ा पाँव के ही निशान थे। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, वेन आई नीडिड यू द मोस्ट, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यू वुड लीव मी, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ही विस्फर्ड, भगवान ने जवाब दिया, माई प्रीशियस चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड विल नेवर लीव यू, और मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं। ड्यूरिंग योर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग, जब ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और आपकी परीक्षा वाले क्षण होंगे, वेन यू सॉ ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, जब तुमने एक जोड़ा पाँव के निशान देखे थे, इट वॉज देन डेट आई कैरीड यू, ये वो समय था जब मैं तुम्हें अपनी गोद में लेके घूम रहा था। ये पोयम को मैं
अगर गिनती करके बताऊं तो सैकड़ों बार पढ़ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी, और जितनी बार पढ़ता हूँ आखिरी लाइन पे मैं हमेशा मेरा गला भारी हो जाता है, और अभी भी आप लोगों को शायद महसूस हो रहा हो। इसके दो कारण हैं, एक तो ये पोयम का जो मैसेज है कि भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, खासतौर पर मुश्किल क्षणों में भी साथ नहीं छोड़ते। अगर तुम चलने के लायक भी नहीं रहोगे और कमज़ोर हो जाओगे तो वो तुम्हें अपनी गोद में लेके घूमेंगे, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये एहसास जब होता है तो अपने आप आपका गला इमोशनल सा हो जाता है, भारी हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि अभी जो मेरी ज़िंदगी में समय चल रहा है उससे मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ। थोड़ा मेरा भी एक तरह का मुश्किल समय चल रहा है, और भगवान की तरह कई सारे लोग फरिश्ते बन के मेरी ज़िंदगी में मेरी मदद कर रहे हैं। उन सभी को थैंक यू बोलने का एक छोटी सी कोशिश मैंने इस वीडियो के सहारे करने की कोशिश की है। सही वक्त आने पे मैं सब लोगों को सही सारी चीज़ें भी बता दूंगा। मेन मुद्दे पे आते हैं, एहसानमंद कदम। इस पोयम को, इस कविता को मैंने एहसानमंद कदम में क्यों रखा, क्योंकि पोयम का जो टाइटल है, कविता का जो शीर्षक है, रेत पर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, रेत पर पड़े कदम के निशान। कदम क्या होते हैं? चाल। और चाल किस बारे में है? कि भगवान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो ये एहसानमंदी की ही चाल है एक तरीके से देखा जाए तो, और उसके ऊपर ही पूरी कविता है। तो ये सीधा सीधा कनेक्शन है एहसानमंद कदम से इस कविता का। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इतनी बेहतरीन कविता किसने लिखी है। मैंने भी इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसके सही राइटर नहीं मिले। जितना मैंने रिसर्च में पाया है तो लोग ये कहते हैं, ऐसा लोगों ने कहा है, खासतौर पे एक्सपर्ट्स लोगों ने, कि ये बाइबल की जो टीचिंग्स हैं उसके ऊपर आधारित करके बनाई गई है। हो भी सकता है। मेन बात ये है कि भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। इस चीज को आप इस कविता के माध्यम से समझो, या जब वो बुरा वक्त निकल जाए तब याद करो, अपनी जिंदगी के वो सारे वक्त याद करो जब आपके ज़िंदगी में मुश्किल क्षण आए थे, हार्ड टाइम्स, मुश्किल क्षण। वो मुश्किल समय में आप उस मुश्किलों से निकले कैसे थे वो याद करो। जरा एक ही चीज़ याद करो कि किसने आपकी मदद की थी, और वो इंसान अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया था, या आपने उसे बुलाया था, वो सारा जो घटनाक्रम हुआ था वो कैसे हुआ था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपको लगेगा कि बाकी सब चीज़ तो लॉजिकली समझ में आ रही है, दिमाग से समझ में आ रही है, कि मैंने इससे मिला, मैं उससे मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना किया, ठिकाना किया, लेकिन एक ना एक घटना आप सबके जीवन में ऐसी घटित हुई होगी जो एकदम मिराकल यानी चमत्कार वाली हो। कहीं ना कहीं से मुश्किल क्षणों में भी चमत्कार होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हर किसी की मुश्किल क्षणों में होती है जिसे हम कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उसे उतना कदर नहीं करते क्योंकि हम समझ नहीं पाते, लेकिन होती जरूर है। सो अगर आप ध्यान दें तो भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं, और वो किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी चमत्कार के रूप में आपकी मदद करने आते हैं। तो ये जो कविता कह रही है, एहसानमंद कदम का जो मैसेज है कि भगवान हमेशा आपके साथ है, ये बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सच है। यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करूँगा। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कई बार देख लो, ताकि आप इस बात को अपने दिमाग और दिल की गहराइयों में उतार लो कि आप अकेले नहीं हो, ईश्वर है आपके साथ, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपसे ज़्यादा सोचता है, और कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर अच्छा करेगा। इसी बात पे आप सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि भगवान आप सबका भला करे, सबके साथ खुश रहिए, अपना भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, लोगों की मदद करते रहिए। धन्यवाद।